हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोपराइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। उसके बारे में जितेंद्र अवार्ड मेरे साथ थे, आनंद परांजपे जी मेरे साथ थे, मैंने हिंदी में इसके बारे में कल प्रेस को सब बताया है। इसके बारे में मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये तो हुआ, ये बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले दीपावली के पहले, दीपावली को मेरे गांव बारामती जाने से पहले मैंने खुद दोपहर को मेरे ख्याल से 12 एक बजे वर्षा पे मैंने जाके खुद सीएम साहब को मिला था और रात को 8 बजे या 8:30 बजे मैं वानखेड़े स्टेडियम के बाहर को गरवारे क्लब है वहाँ मैंने DCM के साथ मीटिंग की। वहाँ मैंने दोनों को बताया कि आप अभी राज्य के चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, तो उसके बारे में अपने अपने पार्टी के जो भी मिनिस्टर्स है, यानी शिंदेगढ़ के मिनिस्टर और बीजेपी के मिनिस्टर, तो बीजेपी के मिनिस्टर को देवेंद्र जी ने बताना चाहिए और इनको एकनाथ राव शिंदे जी ने बताना चाहिए। ये कुछ भी स्टेटमेंट कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट वो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर के नाते ऐसे स्टेटमेंट आने के बाद लोगों के मन में संभ्रम निर्माण हो जाता है, वो रुकवाना चाहिए, वो अपने को बिल्कुल होना नहीं चाहिए। इसके बारे में मैंने उनके साथ बात की थी, नंबर एक। दूसरा जो वो अब्दुल सत्तार के बारे में, सुप्रिया के बारे में जो कुछ घटना हुई उसके बारे में, विनाशकाली विपरीत बुद्धि ऐसा हम अब्दुल सत्तार जी को कह सकते हैं। और ये बिल्कुल क्या होता है, इसने पूरा वातावरण खराब हो जाता है। आज महाराष्ट्र में जो मेन इश्यू है, वो मेन इश्यू को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वो उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश गवर्नमेंट ने भी करनी चाहिए और अपोजिशन का जो काम रहता है उसके बारे में वो भी अपोजिशन ने काम करना चाहिए। मैं, ये मेरा खुद का कहना है। नहीं, वो तो गलत हो रहा है, इसीलिए तो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मैंने ये बताया कि महाराष्ट्र की पुलिस, आईएएस ऑफिसर की लॉबी और हमारी आईपीएस ऑफिसर की लॉबी और आईएएस ऑफिसर की लॉबी, हमारा जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतना बढ़िया है कि यशवंतराव चव्हाण साहब ने जैसे शुरू में 1960 से इसको एक रास्ते से आगे जाने के लिए जो रास्ता दिखाया है, वही रास्ते से वसंतराव नाईक चले, वसंत दादा चले, पवार साहब चले, शंकरराव चव्हाण जी चले, बहुत से आज तक जो विलासराव देशमुख थे, बहुत से मिनिस्टर थे, वो आज तक चले, ऐसा कभी हुआ नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन दोनों ने ध्यान देना चाहिए। हमारा यही कहना है कि अभी ये चीफ कौन है, एकनाथ राव शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने ये जो गलतियाँ हो रही है उसको रुकवाना चाहिए। उसके बारे में उन्होंने उनके मिनिस्टरों को, उनके विधायकों को, उनके कार्यकर्ताओं को, सबको क्लियर बताना चाहिए और वो जैसे उनको बताना चाहिए ऐसे हम बोलते हैं। हमने भी उद्धव ठाकरे साहब ने उनके कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए, मैंने, जयंत पाटिल जी ने, भुजबल साहब ने, हमारे राष्ट्रवादी को कार्यकर्ताओं को बताना, विधायकों को बताना चाहिए, कांग्रेस के
बाला साहेब थोरा, जय अशोक चौहान, नाना पटोले ने उनके विधायक और कार्यकर्ताओं को बताना, किसी ने भी इसमें गलती पार्टी के, किसी के पार्टी में गलती नहीं होनी चाहिए, भले वो रूलिंग पार्टी में हो या अपोजिशन में हो, ऐसा मेरा कहना है। मुझे अभी तक न्योता नहीं मिला, लेकिन हमारे पवार साहब को मिला था, सुप्रिया को मिला था, जयंत पाटिल जी को मिला था, वो सब वो रैली में, पवार साहब उनका थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए नहीं गए, लेकिन जितेंद्र रावण, सुप्रिया, हमारे पार्टी के प्रमुख जयंत पाटिल, ये सब उसमें गए। मुझे अभी तक न्योता नहीं आया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में ऐसी अफवाहें सुनने को मिलती है, अगर उसके बारे में मुझे प्रूफ मिला, पेपर्स मिले, तो जरूर उसके बारे में मैं मेरी राय दूंगा। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है सभी 40 लोगों को सिक्योरिटी, ऐसा कभी चलता नहीं। हमने भी पार्टी में बहुत साल काम किया है, गवर्नमेंट में बहुत साल काम किया है, हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 1999 से 2014 तक रूलिंग पार्टी के नाते उन्होंने काम किया, तब सभी कांग्रेस विधायकों को और राष्ट्रवादी विधायकों को सिक्योरिटी नहीं दी थी, ऐसा नहीं चलता। जितने विधायकों को ज़रूरत है उसके बारे में कुछ मालूमात मिली होगी पुलिस डिपार्टमेंट को, और पुलिस डिपार्टमेंट की एक कमिटी रहती है, वो कमिटी उसके बारे में तय करती है कि किसको सिक्योरिटी देनी चाहिए, जेड प्लस किसको देनी चाहिए, जेड किसको देनी चाहिए, वाई प्लस किसको, वाई किसको, ऐसे अलग अलग उसमें कैटेगरी है, वो किसको देनी चाहिए वो तय करते हैं। वैसा अभी नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। क्या बेईमानी की? अभी उन्होंने मेरे बारे में तो नहीं कहा है ना, उन्होंने उद्धव जी के बारे में कहा है, उद्धव जी को पूछो कि वो ऐसा बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं, बेईमानी किए भी मालूम नहीं, और ये क्या दूसरा शब्द आपने डाला, बदला, ये भी मुझे मालूम नहीं। वो उनका दोनों का अंतर्गत मामला है, उसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक सही है कि हमने, हमारे लीडरों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन किया, ये गवर्नमेंट लाया था, वो अच्छी तरह से चलाने की कोशिश हमने पूरी की। थैंक यू। हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म, केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, महावीर मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।